गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज है संडे और डेट क्या है खुद ही भूल गई, बस 11 तारीख है शायद, संडे 11 तारीख, डेट देख के बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी जरूर करना, सपोर्ट करना प्लीज़। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है यूट्यूबर को। फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल ग्रीन है और मैंने किचन में रखा था, आप लोगों को दिखाया, किचन से लाया। ये है फूल का पौधा, ये मैं गांव से लाई थी अपने बुआ जी के घर से, तो लगा नहीं पाई थी, टाइम नहीं लग रहा था, बिजी हो गई थी। तो ससुर जी ने बोला आपको टाइम नहीं लग रहा है, गिलास में डाल के रखो। ये देखिए कितना हरा हो गया, मैंने गिलास के अंदर पानी डाला और इसको रखा था। पता कब लाया था ये मैंने? बुधवार से आज है संडे और संडे तक बिल्कुल हर रहा है। अभी मैं इसको लगाने वाली हूँ। अभी टाइम हो चुके हैं, 2 बज चुके हैं और मैं अभी भी कपड़े धो के ख़त्म हुई हूँ और उसके बाद ही ये वाला अब पौधा लगाने वाली हूँ। देख सकते हैं मिट्टी भी मैंने ला ली, गोबर वाली मिट्टी लाई है, बड़ी अच्छी मिट्टी है। ये देखिए आजकल ये वाला फूल भी कितना अच्छा खिला हुआ है, गेंदे का काफ़ी अच्छा खिला है। बाकी तो सारे मेरे फ्लावर पॉट आजकल ऐसा कबाड़ कुबड़ हो चुका है और इसको मेरे को ठीक करने का टाइम नहीं लग रहा है। जैसे ही टाइम लगेगा मैं इनकी केयर करूंगी और काफ़ी अच्छे फ्लावर आ जाएंगे। और अभी मैं लगाऊंगी इसमें, इस वाले गमले में इसको। वैसे तो मुझे फूल लगाना और फूल देखना सुबह सो के उठ के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूँ, काम और बाकी सब काम के वजह से फूलों की भी केयर नहीं हो पाती है। तो काफ़ी दिन से मैं इधर उधर और काम में बिजी थी तो इसलिए मैं फ्लावर की उतनी केयर नहीं कर पा रही हूँ। अब इसके बाद जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं सारे गमले चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे से फ्लावर नहीं आ रहे हैं और इनमें दोबारा से मिट्टी वगैरह डाल के वो करूँगी। ये देखिए आप देख सकते हैं, मेरे 2 फूल थे और एक को मैं इस गमले में लगा दूँगी, एक को दूसरे गमले में लगाना पड़ेगा। और मैंने सोचा कि ये एक ही होगा, जब मैंने लाया था ये 2 थे पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। अभी देख रही हूँ मैं, ये 2 पौधे थे, अब एक को मेरे को दूसरे गमले में लगाना पड़ेगा। देखती हूँ दूसरा गमला कौन सा मिलेगा मेरे को। और इसमें भी येलो कलर के फूल आते हैं, बहुत अच्छे फूल आएंगे, जब फूल आ जाएंगे तब मैं दिखाऊंगी कैसे। दूसरा फ्लावर पॉट मेरे ये है, इसमें लगा देती हूँ, ये बिल्कुल ये ख़राब हो चुका है और इसको पहले निकाल दूँगी, सब ये सूख गए हैं वाले फूल, और उसके बाद लगाऊंगी इसमें। और ये वाली नई मिट्टी भी डालती हूँ, थोड़ा सा इस मिट्टी को हाथ से ही करना पड़ेगा, मेरे पास अभी खुदने वाले औजार तो मैंने लाए नहीं। तो मैं इसके जो पुरानी मिट्टी है उसको अच्छे से पहले खुदाई कर दूंगी इस मिट्टी को, और उसके बाद जो नई मिट्टी मेरे पास बची है उसको भी इसी गमले में डाल दूंगी, क्योंकि नई मिट्टी बहुत अच्छी है और पुरानी मिट्टी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जैसे हम पानी वगैरह डालते हैं ना, जो इसके मतलब उपजाऊ तत्व होते हैं वो पानी के साथ बह जाता है और उस तरह से मिट्टी मतलब उपजाऊ नहीं रहता है, और इसलिए मैं इस नए मिट्टी को डालूंगी जो मैंने अभी नए गमले के लिए लाया था, जो दूसरे गमले के लिए ये बच गया था, तो इसमें डाल के और दूसरा पौधा भी मैं लगा दूंगी इसमें। और देखिए कितने जल्दी आ जाएंगे इसमें फ्लावर, मैं जैसे ही फ्लावर आए जाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, येलो कलर के फूल आते हैं इसमें। फिर भी इतनी मिट्टी मेरी बच गई है, अभी इन मिट्टी को डालूँगी मैं इसमें, दूसरे किसी गमले में डाल के रख दूँगी। और ये 2 गमले में लगा दिया मैंने, एक इसमें लगाया और ये इसमें लगा दिया। तो ये वाले फूल सूख गए थे, ये मैंने निकाल दिया। सेब खाने से जुखाम हो रहा था, मैंने धूप में रख दिया था, काफ़ी पहले रख दिया था, अब मैं खाने वाली हूँ सेब को। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ हरे घास के लिए। देखिए आजकल भी इतना हरा घास है हमारे यहाँ, और किल्टा यहाँ पर है तो निकालते हुए तो दिखा नहीं सकूंगी क्योंकि कोई नहीं है कैमरा पकड़ने के लिए, तो इसी तरह दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये देखिए कैसे हरा घास है आजकल दिसंबर के महीने में भी। कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं होता तो बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने कैमरे को ऐसे स्टैंड करके रख दिया है, मैं लग गई हूँ अब घास निकालने। तो आजकल भी हरा घास है हमारे यहाँ पर एक खेत में, दिसंबर का महीना है फिर भी मैंने ये काट लिया था सारा, अभी दोबारा से लग गया है। चलो गाय के लिए थोड़ा हरा घास तो मिल जाएगा,
और मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी थी इधर उधर के काम से, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, कभी कहीं जाना पड़ रहा था। हमारे बुआ जी बहुत ज़्यादा बीमार थे तो मैं हॉस्पिटल गई थी 2-3 चक्कर में, तो टाइम नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने आजकल गाय को बेचारी को सारा घास ही नहीं दिया था, सूखा ही सूखा सूखा घास दे रही थी। तो गाय भी बोर हो गई होंगी तो आज बड़ी खुश हो जाएगी, हरा घास ले जाके दूंगी। तो कैसे रिएक्ट होगा गाय का वो आप लोग देख लेना, मैं शेयर करूंगी। हरा घास निकाल के गाय के पास कितनी खुश हो गई, 2-3 दिन से इसको हरा घास नहीं दिया था, आज खुश हो गई है, कैसे खा रही है। तो फ्रेंड्स, 14 दिसंबर हो चुका है और अभी भी हमारे लबी ख़त्म नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं ये पार पीले और नीले रंग के टेंट लगे हैं, तो ये लबी मेले का जो स्टॉल लगे हैं, और बाकी ग्राउंड में लगे होते हैं तो रोड में लगे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अभी टाइम है, देखिए सूर्य जाने वाले, छुपने वाले, 4 बज रहे हैं, 4 बजे हमारी धूप चली जाती है। ये देखिए सतलुज भी देख सकते हैं आप। तो ये थी मेरी आज की वीडियो फ्रेंड्स। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो जरूर बताइएगा, और इतने दिन के बाद डाल रही वीडियो क्योंकि कुछ जरूरी 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 काम वगैरह में बिजी हो जाती हूँ, तो इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ। अब कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं, तब तक के लिए करते हैं बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये गए थे टेरिस में सोने, इनको ठंड लग रही थी।